देश भर से हमारे पास बहुत ही परेशान और दुखी करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स के लिए वेटिंग चल रही है और ये वेटिंग मरने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। यह आपको सुनने में बहुत असंवेदनशील लग सकता है, लेकिन सच है कि शमशान घाटों पर भी इस समय वेटिंग चल रही है। जहां कहीं भी देखो मौत का सन्नाटा है। शमशान जल रहा है, इंसान जल रहा है और कोरोना सारे शहर को वीरान कर रहा है। देश के हर शमशान का और कब्रिस्तान का यही हाल है। शमशान में इतनी चिताएं जल रही हैं जैसे लाशों की सुनामी आ गई। कब्रिस्तान में तो दफनाने के लिए जमीन ही कम पड़ गई। यह दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट निगमबोध है और यहां हर तरफ एम्बुलेंस दिख रही है। चिताएं जल रही हैं, गिनते जाइए। कोरोना ने ऐसा कहर मचाया है कि यहां गिनना तक मुश्किल है कि कितने शव जल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट में मौजूद हैं और हमारे सामने तस्वीरों में जो चिताएं जलती हुई आपको नजर आ रही हैं, हम आपको बता दें कि ये सभी कोविड मरीज रह चुके हैं और कोविड के चलते इन सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कतार से एम्बुलेंसेज नजर आएंगी, बहुत सारी एम्बुलेंसेज नजर आएंगी आपको यहाँ पर, एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से ही निगम बोध घाट पर लगा हुआ है। जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट है या फिर क्रिश्चियन सेमेट्रीज हैं, हर जगह की स्थिति जो है कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालात ये हैं कि यहाँ सिर्फ पिछले 3 से 4 दिनों में कोविड से मरने वालों की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई। शमशान घाट के प्रबंधन के मुताबिक सामान्य मौत मरने वालों की संख्या अचानक से ज्यादा हो गई। पिछले 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 3 से 4 की एवरेज थी कोरोना पॉजिटिव, ये 5 से 10 तक होगी, 10 से 12, अब ये 11 से, और अब तक पिछले 3 दिन में तो कल जैसे कल यहाँ पे 37 आए हैं कोरोना पॉजिटिव, परसों 36 थे, उससे पहले 24 थे, तो 3-4 दिन से थोड़ा सा वजन है यहाँ पर ज़्यादा। और आज की अगर बात करें तो सर, आज सुबह से कितने लोग यहाँ पर आ गए? यहाँ पर अभी 24 आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, और हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉर्मल भी प्लेटफार्म जो होते हैं, नॉर्मल अन्य बीमारी कारण जो डेथ होती है वो भी हमारे पास अधिक से अधिक यहाँ पर आ रहे हैं। कल 73 आए नॉर्मल भी, अगर दोनों को हमने कल कहा तो 100 हम पार कर चुके थे कल यहाँ पर। यह हाल सिर्फ शमशान का ही नहीं है, कब्रिस्तान में भी शवों को दफनाने की जगह नहीं है। ये दिल्ली के एक कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। पीपी किट में जो लोग आपको दिख रहे हैं ये अस्पताल के कर्मचारी हैं जो एक कोविड पेशेंट के शव को कब्रिस्तान लेकर आए हैं। एम्बुलेंस से डेड बॉडी उतारी गई और सीधे ताबूत में रखी गई। उसके बाद मौलवी ने पीपी किट पहनकर ही फातिहा पढ़ा और फिर सभी ताबूत को उठाकर ले गए और पहले से खोदी गई कब्र में ताबूत को दफन कर दिया गया। हालात ये हैं कि इस कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है, इसीलिए अब जेसीबी मशीन की मदद से और जगह खोदी जा रही है। वक्त हम राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में हैं और यहाँ पर अब शवों को दफनाने के लिए जगह जो है वो कम पड़ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी ट्रैक्टर जो है उसे बुलाया गया है और यहाँ पर खुदाई की जा रही है। पूरा एरिया कोविड डेडिकेटेड शवों के लिए है और यहाँ पर पिछले साल से लेकर अब तक इतने शवों को दफना दिया गया है कि अब यहाँ पर जगह बाकी नहीं रह गई है। बिल्कुल, तो जो है जगह हमारी ख़त्म हो गई है, जो कोविड के ब्लॉक में जो जगह है वो मैयत की तादाद जो ताज़ा ज़्यादा आ रही है उसकी वजह से तो ये जगह बढ़वाई जा रही है और नई कब्रें खोदी जा रही हैं मैयत की तादाद की वजह से। इस कब्रिस्तान में भी पिछले 4 दिनों से अचानक शवों के आने का सिलसिला कई गुना तक बढ़ गया है। जब ये वेव शुरू नहीं हुई थी उससे पहले तो ये था कि
हफ्ते में कभी एक आ गया, कभी दो आ गए, मतलब टोटल मैंने 55 दिनों के अंदर 5 बॉडी दफन की थी, लेकिन अब 4 तारीख से अब तक ही 70 कर चुका हूँ मैं। ये मध्य प्रदेश का जबलपुर है, जहाँ के शमशान घाटों का हाल इन तस्वीरों में पता चल रहा है। लगातार धुआं उठ रहा है, चिताएं जल रही हैं। जबलपुर में संक्रमण की दर 20% से ऊपर पहुंच गई है। हाल यह है कि कल यानी बुधवार को यहां 41 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 9 लोगों की मौत दर्ज है। कोरोना से होने वाली मौत के लिए 2 शमशान घाट निर्धारित हैं और इन शमशान घाटों में लगातार शव जल रहे हैं। यहाँ पर स्थिति बहुत विपरीत है, लगभग 24 पॉजिटिव शवों का संस्कार लगभग अभी हमारी जानकारी में है और हम लोग कर रहे हैं मिलकर। गाड़ी में बॉडियाँ रखी हुई हैं, परिजन चाहते हैं उनका संस्कार हो जाए, पर एक सीमित साधन हमारे पास भी और स्थान भी नहीं है कि कहीं पर इनके संस्कार हों। पूरे संभाग के चूँकि लोग हमारे यहाँ आते हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे शासकीय अस्पताल हो, बल्कि संभाग से बाहर के भी आते हैं, लगभग 13-14 जिलों के लोग आते हैं, तो उस लिहाज से भी देखें तो काउंटिंग के हिसाब से वो लग रहा है, लेकिन हम हमारे ज़िले की जो डेथ ऑडिट होती है, जो मेडिकल कॉलेज अंतिम अथॉरिटी है, उस डेथ ऑडिट की रिपोर्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इस कारण जो है एक संभावना बन सकती है कि वो फिगर शायद दूसरे ज़िले के भी हो सकते हैं या वो नॉन कोविड वाले भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी बहुत बुरा हाल है। ये भोपाल का भदभदा विश्राम घाट है, जहां कोविड से जान गंवाने वाले औसतन 50 लोगों की चिताएं हर रोज जल रही हैं। पीछे आपको लगातार चिताएं जल रही हैं और ये चिताएं दिन भर से जल रही हैं और देर रात तक जलती रहती हैं। वजह है कि जिस तरीके से लगातार मरीज आ रहे हैं, लगातार दम तोड़ रहे हैं और उन सबको यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। एक दिन में यहाँ अभी तक, यानी मैं आज की बात करूँ तो अभी तक 52 बॉडी आ चुकी हैं, सभी कोरोना मरीज थे। यहाँ पे रोज जितनी बड़ी तादाद में बॉडी आ रही हैं, जितनी बड़ी तादाद में सब आ रहे हैं, उनके लिए नए स्टैंड बनाए जा रहे हैं। ये एक पुराना स्टैंड तो था ही, जहाँ पे मेरे पीछे आप बॉडी जलती हुई देख रहे हैं कि जिस तरीके से भयावहता बढ़ी है, तो इसके साइड में 30 स्टैंड और बनाए गए हैं। यदि हम एक दिन पहले की बात करें तो सरकार ने बताया था कि 55 आंकड़े पूरे प्रदेश में मरे मौत हुई हैं, मगर सिर्फ इस विश्राम घाट की बात करें तो कल 55 डेड बॉडी तो सिर्फ यहीं आई थी। तो बड़ा अंतर है सरकारी आंकड़ों में और वास्तविकता में जो लोग दम तोड़े हैं उनके आंकड़ों में। मुझे लगता है कल जो 69 मृतक देह थी, उस आंकड़े को आज भदभदा में उससे ऊपर मृतक देह आएंगी। यही हाल कब्रिस्तान का भी है, जहाँ कोरोना की वजह से मैयतों की संख्या बढ़ गई है। यह ज़दा कब्रिस्तान है, यहाँ हर रोज 10 से 15 मैयतें आ रही हैं। कब्र खोदने के लिए अब JCB मशीन लगाई गई है। भोपाल के जहांगीराबाद के ज़दा कब्रिस्तान पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ही एक मैयत है, उसको दफनाने की तैयारी हो रही है। कि इस तब ये जो JCB मशीन है, इससे जो कब्र है उसको खोदा जा रहा है, क्योंकि रोज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मैयतें आ रही हैं कि लोगों ने हाथ से खोदना बंद कर दिया है। यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ लोगों की कमी है, जो खोदने वाले थे जो लोग उनके हाथों में छाले आ गए हैं। तो अब हाँ पास 10-8 बारियाँ डेली कोरोना पॉजिटिव आ रही, शासन से हमारे एक साल से दौर लगा रहे हैं, इसको हमें जगह मुहैया करवा दी जाए या मिट्टी डलवा दी जाए, लेकिन शासन ऐसा गुंगा बहरा अंधा बन गया है जिसकी हद नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। इंदौर के शमशान घाट भी फुल हो चुके हैं, यहाँ तो शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए टोकन लेना पड़ रहा है और उसके बाद भी अपनी बारी के लिए घंटों का इंतजार है। रात 9 से 10 बजे तक शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, हालांकि सरकारी रिकॉर्ड्स में कोविड से मरने वालों की संख्या को छिपाया जा रहा है। एक एक मुक्तिधाम में 40 से ज्यादा कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में यह संख्या बहुत कम है। आज 10 बाटी कोविड की हो गई है, 7 घर से ला, 7 मैयत लोग घरों से लाए हैं। अभी श्याम बाकी है, श्याम में जितनी मैयत होगी उसकी कोई गिनती नहीं है। कल होगी थी 40-45 मैयत करीब घर से मिला के कोविड तक की बाड़ी। कोविड की थी कल 22-23 मैयत करीब। लखनऊ में बहुत बुरा हाल है। ये लखनऊ के भैंसाकुंड घाट की कल की तस्वीरें हैं, जहां दिन रात ऐसे ही शव जल रहे हैं। कल ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, जिसके बाद सरकारी इंतजामों और कोरोना से हो रही बदहाली पर सवाल उठे। इसका असर ये हुआ कि आज इस सड़क पर टिन शेड लगा दिया गया, ताकि भैंसाकुंड घाट का ये वीडियो दिखाई न दे। लेकिन इससे होगा क्या? इससे सिस्टम की कमियां तो नहीं छुप पाएंगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो,
हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।